ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो में देखा, थोड़ा सा वीडियो क्या है कट हो गया था, इस वजह से मैं इसको दूसरे वीडियो में बना रहा हूँ। हमने ये देखा कि M2R जो है वो क्या बना लिया, रिंग बना लिया। रिंग के बाद हमने CR को चेक किया जो उसने नहीं बनाया, मतलब कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाया। अब हम ये शो कर रहे हैं कि क्या ये रिंग बिच यूनिटी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो रिंग बिच यूनिटी जब बारी आई तो हमने क्या किया कि उसका डेफिनेशन ही लगा रहे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ई बराबर आपको क्या दे दे, ये दे दे, ठीक है। तो हमने M2R का आर्बिट्री कोई भी मैट्रिक्स पकड़ा 2x2 का, और एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स जो एलिमेंट किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। ये भी कहां मिलेगा, M2R में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रियल मैट्रिक्स है ये 2x2 की। सच दैट ए इंटू आई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो हमने रिंग विथ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी है वो यहां पे हमने सेटिस्फाइड करा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, ए इंटू आई बराबर हमें क्या दे दिया, ए दे दिया। वो किसके लिए दे रहा है, ये हर मैट्राइसिस के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो M2R है वो रिंग विथ यूनिटी की जो डेफिनेशन उसको फुलफिल कर रहा है। रिंग तो बना ही रहा था, साथ में क्या बना लिया, रिंग विथ यूनिटी, मतलब ये जो R है वो क्या है, M2R रिंग विथ यूनिटी, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो कैसा है, रिंग विथ यूनिटी है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये रिंग बना रहा है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है और रिंग विथ यूनिटी है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो CRU नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझिए कि M2R जो है, जो नया स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, M2R वो क्या है, एक रिंग है, लेकिन कैसा रिंग है, ये रिंग विथ यूनिटी है, ना कि कम्यूटेटिव रिंग है, इसलिए ये CRU भी नहीं है। तो हमने बहुत सारे आपको डेफिनेशन बता के, जैसे रिंग के डेफिनेशन, कम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन, रिंग विथ यूनिटी का डेफिनेशन एंड CRU का डेफिनेशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। अब आप जो, आपको क्या करना है, क्या बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके आपको चेक करना होगा कि कौन सा रिंग बना रहा है। हो सकता है वो रिंग ही ना बनाए। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जब भी कोई आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट दे, ठीक है, तो सबसे पहले चेक कीजिए तो वो रिंग है या नहीं, ठीक है। पता चला वो रिंग ही ना हो, जब रिंग आप चेक कर लो तो फिर आप CR को चेक करो या रिंग विथ यूनिटी को चेक करो, ठीक है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाएगी तो वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं बना पाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को रख रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, CRU भी हो जाएगा, क्लियरली। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, जब भी कोई आपसे ये पूछे तो सबसे पहले आप CRU बता दो कि CRU है या नहीं। जैसे ही CRU हो जाएगा वो ऑटोमेटिक CR भी होगा और रिंग विथ यूनिटी भी होगा, और रिंग तो होगा ही। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो वो रिंग विथ यूनिटी, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं बना पाएगा, ठीक है। देखिए, हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से MSC की तरह हम नहीं लिखा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे आपके वेबसाइट में, बहुत सारे आपके चैनल होंगे जहां से आपको क्या नाम है, PDF फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी है, इसके क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपके इसके हैं, ठीक है, नोट्स हैं, वो मिल जाएंगे। सवाल ये है कि जो वहां पे लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा, देखिए जो मेन चीज है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा लेंदी मत बनाइए, ठीक है। जैसे आप, ये हमने रिंग विथ यूनिटी की क्या लिखा दिया, रिंग विथ यूनिटी का हमने डेफिनेशन लिखा दिया, बस हमने यही बोला कि कोई भी R प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट, इस टाइप की प्रॉपर्टी को फिलफिल करें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन अगर हम बात करें तो फिर हमने बोल दिया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए को सेटिस्फाइड करे तो वो रिंग क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा, ठीक है। CRU की डेफिनेशन क्या आप लिख लेंगे कि वो कहना होना चाहिए, आर रिंग होना चाहिए,
दूसरा क्या बनना चाहिए, सी आर बनना चाहिए, तीसरा रिंग विथ यूनिटी बनना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या बन जाएगा वो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ज्यादा लेंथी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। वैसे भी रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी इतना पेचीदा सा है कि जितना आप दिखने की कोशिश करेंगे उतना ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मेन है उसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि अगर देखिए हमने पिछले एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में हमने बताया कि अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट आप यहाँ पिक नहीं कर पाएंगे तो R बराबर जो हमने सिंगलटन जीरो लिया था आप उसको क्या बोल देंगे कि ये रिंग विथ यूनिटी है, लेकिन रिंग विथ यूनिटी नहीं था अगर आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आप बात करते हैं, ठीक है। देखिए वो थ्योरम कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कहीं पे लिखा जाए कि हमने ये बोला कि जेड क्रॉस क्यू क्या है, रिंग है, हमने कैसे बोल दिया, ठीक है। या जेड टू क्रॉस जेड फोर क्रॉस क्यू ये भी कैसा बना रहा है, रिंग बना रहा है। आर क्रॉस सी ये क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, ठीक है। अब रिंग बना रहा है तो हम इसको, या तो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को लिख के हम इसको कम्यूटेटिव ग्रुप, फिर सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को हम थोड़ा प्रूव करें तब बोलेंगे कि ये रिंग है, ठीक है। अदरवाइज हमें कुछ ऐसा करें कि हमें ये पता चल जाए कि ये रिंग है, तो इसी के बेस पे अगर हम इसको बनाने चले जाएंगे कि इसको प्रूव करना है रिंग है, तो हम इसको पहले एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, हमारा ये काम होगा। और फिर इसको अगर किसी ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो इसको आसानी से प्रूव कर लेगा कि ये रिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। पूरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगा के, जैसे एग्जांपल के अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाना है तो अगर हमने कोई दो एलिमेंट लिए जेड क्रॉस क्यू के, फिर हमने कोई दो एलिमेंट लेंगे जेड क्रॉस क्यू के, मतलब एक ही एलिमेंट है ये, आप इसको एक्स और वाई मान सकते हैं। फिर अब अगर क्लोजर लगाना है तो एक्स वाई करेंगे, मतलब ए बी, ठीक है। चूंकि एडिशन में कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एड करना पड़ेगा, या फिर क्या होगा, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। अब देखिए ये दोनों एलिमेंट कहां के हैं, ए और सी ये कहां एलिमेंट होंगे, जेड के एलिमेंट होंगे, ठीक है। बी एंड डी कहां के एलिमेंट होंगे, क्यू के एलिमेंट होंगे। और हम क्लियरली जानते हैं कि जेड जो है वो रिंग बना रहा है, इसका मतलब है कि ए प्लस सी का एलिमेंट वहां जाएगा ही, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा ही, क्योंकि यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर वो जेड रिंग कैसे बना, आई बस समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हम इसको कोई नया एलिमेंट नाम दे दे ए वन और ऐसे ही ए टू, तो ये भी कहां के एलिमेंट होंगे, ये वाला जो फर्स्ट टपल है वो जेड का एलिमेंट होगा और सेकंड टपल क्यू का एलिमेंट होगा, तो ये कहां बिलोंग कर जाएगा, जेड क्रॉस क्यू में। तो इस टाइप से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया। ऐसे ही आपको एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स सबको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यहां पे आपको ये मतलब दे रहे हैं कि आपको ऐसे प्रूफ करना है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे लग जाएगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरम के थ्रू या नोट के थ्रू आपको बता देंगे कि आपको कैसे बता पाना है कि ये जो रिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे आप एक दो कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इसको रिंग कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम इसको बताएंगे भी, ठीक है। चलिए नोट दिखा देते हैं, आपको एक एक नोट बहुत अच्छे से समझना है, उस पर एग्जाम्पल भी देना। हमने बोला इफ, ये पहला नोट है, इफ आर वन एंड आर टू, आर टू रिंग, ठीक है। आर वन एंड आर टू जैसे दो रिंग दिए हुए हैं, देन उनका जो पार्टीशन प्रोडक्ट है वो भी कैसा होगा, रिंग बनाएगा। अभी हमने बताया तो सिंपल क्या हो गया एग्जाम्पल, अगर आपके पास आर वन जेड कोई रिंग है, आर टू क्यू भी कैसा है, रिंग है, हमने इसको बता चुके हैं कि ये रिंग है, देन जेड क्रॉस क्यू इज रिंग, आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आर वन हम जेड फोर ले लें, आर टू हम जेड सिक्स ले लें, जो कैसे हैं दोनों, ये रिंग है, ये भी रिंग है, एंड आपका काम इनको भी प्रूव करना कि रिंग है या नहीं,
मैंने बोला R1 क्रॉस R2, अगर ये दोनों रिंग हैं तो R1 क्रॉस R2 भी कैसा होगा, मतलब Z4 क्रॉस Z6 भी रिंग बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया रिंग, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये R1 R2 दो रिंग बना रहे हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। ठीक है, तो इसी को आप जनरल भी कर सकते हैं कि अगर R1 R2 अप टू Rn, ठीक है, ये कैसे हैं, R रिंग हैं, देन R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 क्रॉस ऐसे ही Rn कैसे बन जाएंगे, ये उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिंग बन जाए। इसका भी एग्जांपल लेना है, ले लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि दो का ही सिर्फ बोल सकते हैं, अगर जितने भी आपने रिंग उठा लिए और उन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिए तो क्या बना लेगा वो, रिंग। मतलब अब अगर आपने R1 बराबर Z, R2 बराबर Q, R3 बराबर Z4, R4 बराबर C ले लिया तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट R4 मतलब Z क्रॉस Q क्रॉस Z4 क्रॉस C भी कैसा होगा, ये रिंग बनाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल, देखिए आपको नेट निकालना है, आपको एमएससी नहीं करना, ठीक है, कि हर एक चीज का प्रूफ चाहिए आपको, जितना शॉर्ट में नोट बने और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर ले, ये आपका एम होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि ये आपका थ्योरम है, इसके बेस पे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। चलिए अब हम दूसरे थ्योरम पे चलते हैं या दूसरे नोट पे। यहां पे एक चीज और आपको समझना है कि अगर हम इसको थोड़ा ऐसे लिख दें कि अगर R1 एंड R2 दो रिंग हैं तो R1 क्रॉस R2 भी कैसे होंगे, रिंग। मतलब इफ एंड वन इफ हो गया कि R1 R2 अगर रिंग है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिंग बनेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर रिंग बना रहा है तो R1 एंड R2 कैसे होंगे, इंडिविजुअली रिंग बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि Z क्रॉस Q रिंग है और यहां Z ही रिंग नहीं, ठीक है। तो अगर अगर दो अलग अलग रिंग है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिंग बनाएगा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट रिंग है तो इंडिविजुअली भी कैसा बनाएगा, वो रिंग ही बनाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नोट क्या है आपका, इफ R1 and R2 are two commutative rings then R1 cross R2 is also commutative ring। ठीक है, फिर से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। R1 कैसा है, commutative ring है, इस कम्यूटेटिव रिंग। R2 हमने R ले लिया, ये भी कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो R1 क्रॉस R2 मतलब Q क्रॉस R भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां भी आप इफ एंड वन इफ कर सकते हैं कि अगर R1 R2 दो कम्यूटेटिव रिंग है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग है तो R1 एंड R2 ऑलरेडी भी कैसे होंगे, कम्यूटेटिव रिंग होंगे। एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, अगर हमने R1 बराबर मान लीजिए Z4 ले लिया, R2 बराबर हमने ले लिया सिंगलटन जीरो, ठीक है, ये भी कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है और ये भी कम्यूटेटिव रिंग है। तो R1 क्रॉस R2 मतलब Z4 क्रॉस सिंगलटन जीरो, ये भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव रिंग है। तो अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है तो उल्टा भी देख सकते हैं कि Z4 भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव रिंग, और R2 भी कैसा होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि एक तीसरा नोट जब दिखाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा और मजा आएगा वहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नोट। देखिए अब हमने बोला कि अगर R1 CRU है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इफ R2 भी कैसा है, CRU है,
तो R1 क्रॉस R2 भी कैसा होगा, CRU, ठीक है। एग्जाम्पल फिर वही, आप R1 पकड़ेंगे मान लीजिए Q, और R2 हमने पकड़ लिया मान लीजिए Q अगेन, ठीक है, या कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहां पे R, तो ये फिर वही एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा Q क्रॉस R, कैसा हो गया कम्यूटेटरिंग, क्योंकि ये दोनों कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी है, ये भी कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी है, तो ये भी कैसा बना लेगा कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी। लेकिन जब हम उल्टा जाएंगे कि मतलब अगर R1 क्रॉस R2 अगर कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी है तो क्या R1 एंड R2 ये कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना सोचना है कि अगर R1 क्रॉस R2 कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी बना रहा है तो क्या R1 एंड R2 ये दोनों अलग अलग कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें अब कि Q क्रॉस सिंगलटन 0 जो है ये क्या बना रहा है कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी, क्योंकि बाद में हम आपको बताएंगे कि यही क्या बनाएगा इंटीग्रल डोमेन फील्ड तक भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी है, मतलब अगर इसको इंडिविजुअली देखेंगे तो R1 बराबर Q एंड R2 बराबर सिंगलटन 0, क्या ये दोनों अलग अलग कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी हैं? तो क्लियरली हमने अभी आपको बताया था कि ये जो सिंगलटन 0 है वो आपका कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी नहीं है, क्योंकि वो रिंग विथ यूनिटी नहीं बना पा रहा है। तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी हो गया, लेकिन जब उसको इंडिविजुअल देख रहे हैं तो वो आपका कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी नहीं बन पा रहा। इसीलिए जो हमने पहले नोट और दूसरे नोट में आपको एग्जांपल बताया और तीसरे में आपको क्लियर होगा कि हम ऐसा क्यों बता रहे थे कि अगर R1 और R2 रिंग है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिंग होगा, अगर R1 और R2 कम्यूटेटरिंग बना रहे हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कम्यूटेटरिंग बनाएगा, लेकिन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटरिंग विथ यूनिटी बना रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि R1 एंड R2 इंडिविजुअली वो रिंग विथ यूनिटी बनाए। आई बात समझ में? तो यही आपकी क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या नोट समझ लीजिए, है ना। तो रिंग थ्योरी के बेस पे जितने भी डेफिनेशन हो सकते थे मैंने आपको बताया, एक एक चीज आपको क्लियर कराया, ठीक है। हम आज फिर से एक समरी टाइप का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या और इसके एग्जाम्पल, क्योंकि अगले लेक्चर से अब आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या सबरिंग, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले रिंग का डेफिनेशन पढ़ाया, रिंग के डेफिनेशन में पढ़ाते समय हमने बोला कि ये R प्लस कैसा होना चाहिए कम्यूटेटिव ग्रुप, फिर R डॉट के लिए क्या होना चाहिए सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते थी, ये हमने बताया, मतलब तीनों चीजें। अब ये स्ट्रक्चर जो R प्लस डॉट है ऐसे कंडीशन में क्या बना रिंग, डॉट बॉलर के साथ चूंकि ये सेमी ग्रुप बना रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एड करने की संभावना थी, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी एड करके नए नए थ्योरम या डेफिनेशन बनता चला गया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर डॉट वॉलर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो वो क्या बन गया कम्यूटेटिव रिंग, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने शामिल कर लिया तो वो क्या बन गया रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और रिंग विथ यूनिटी दोनों शामिल कर लिया तो क्या बन जाएगा वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, ये बना। और इन्हीं के बेस पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, और ये जो अभी हमने थ्योरम बताया कि R1 R2 रिंग है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिंग बनेगा, ऐसे करके ये आपका थोड़ा सा कंप्लीट हो गया रिंग, ठीक है। अभी रिंग और बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पे जो हमें जानना था वो हम यहाँ पे जान चुके हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप रिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, जो भी डाउट है आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को क्लियर करें। साथ में हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ज्यादा आपको यहाँ पे क्या है डेफिनेशन लिखने रखने की कोशिश नहीं करना, हमारा काम है कि आपको एक एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें। दूसरी चीज,
सीएसआई अंडर में आप हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट आपको क्या नाम है कि ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आना है, वहां आपको दिमाग लगाना ही है। तो यहाँ पे आपका नेसेसरी कंडीशन बन जाता है कि आपको टॉपिक को समझना है और बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। बहुत बड़ा आपका सब्जेक्ट है रिंग थ्योरी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे चल के आपको ऐसे पॉलिनोमियल लेंगे, आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे करके, ठीक है, कि ये क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या नहीं होगा, या रिड्यूसिबल होगा नहीं होगा, क्यों क्या है, ये रिंग है, ठीक है। कई क्वेश्चन आपने ऐसे देखा होगा कि जेड एक्स जो है ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बना रहा है नहीं बना रहा है, इमीडियट डोमेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। फिर कई पॉलिनोमियल को लेकर ऐसा पूछेगा कि एक्स क्यू प्लस इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या है ओवर क्यू पर, ठीक है, ये स्प्लिटिंग फील्ड की बात हो गई। फिर रिंग होमोमार्फिज्म पे हम पूछेंगे कि अगर कोई हमने जेड सिक्स से जेड एट के बीच में कितने नंबर ऑफ रिंग होमोमार्फिज्म बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो है, ये पूरा जो इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसी क्वेश्चन रिंग थ्योरी में है, और रिंग थ्योरी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। रिंग थ्योरी में हम जो नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को उठा के यहाँ पे हम रखेंगे, तो घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एकदम आराम से, ठीक है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन आज फिर से दे दे रहे हैं रिमाइंड करने के लिए, आप आराम से उसको कैटेगराइज कीजिए जो हमने कैटेगराइज बनाया है, तो रिंग विथ यूनिटी है या नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो केवल रिंग हो, मतलब वो रिंग बस बनाए, ना तो कम्यूटेटिव रिंग हो और ना ही वो रिंग विथ यूनिटी हो, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, आप इसको अपने से सोचिए, ठीक है। दूसरा चीज, अब हम आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसमें से एक आध एग्जाम्पल हम यहाँ डालेंगे भी जो आपको यही समझ में आ जाएगा वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पहला क्यू प्लस डॉट, ये क्या क्या बना रहा है, रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, सी आर यू है या आर यू है, क्या क्या बन रहा है। दूसरा जेड प्लस डॉट, ये क्या बना रहा है, रियल नंबर का सेट, ठीक है, ये क्या बना रहा है। चौथा एम टू, हम क्यू लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या बना रहा है। एम फोर आर प्लस डॉट, एम टू टू जेड प्लस डॉट, ठीक है, आर क्रॉस क्यू प्लस डॉट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप इसको कैटेगराइज करना है, करना क्या है कि रिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कौन सा रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं, रिंग विद यूटी है या नहीं, या सी आर यू है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू।